टुडे इट्स बैंग ऑन द डॉट 8 o'clock. शायद कभी कभी पहले टाइम थोड़ा लेट हो जा रहा था, कभी पहले हो जा रहा था. आई थिंक वी हैव सिंक्ड इट राइट. 8 o'clock, दैट वॉज ऑलवेज माई टारगेट. सो वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी. मैं हिंदी में भी बात करूँगा, इंग्लिश में भी बात करूँगा, क्योंकि एज यू गाइज नो, थोड़ा सा कुछ लोग जो है वो इंग्लिश नहीं समझ पाते, कुछ लोग जो है वो हिंदी नहीं समझ पाते. सो आई विल ट्राई टू मिक्स बैलेंस द टू, राइट, एज यू गाइज ऑलरेडी नो. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पार्ट 5-part सीरीज, जैसे कि आप जानते हो, ये पाँच श्रृंखला का सीरीज है. ये सीरीज में हमने ऑलरेडी कितने, 1, 2, 3, सो टुडे इज द 4th, राइट. वी आर स्पीकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी. टुडे इज द 4th सेशन. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. इट्स अबाउट कॉम्पोजिशन, समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पोजिशन मतलब आपका फ्रेम. आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे करके लोग घूमते रहते हैं, फिल्मी कलाकार लोग. सो दैट इज़ कॉम्पोजिशन, बट इट्स नॉट अबाउट डूइंग दैट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. मैंने हर बार आपको पहले भी बताया, एंड आई बीन ऑलवेज रिपीटेडली सेइंग दिस, कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज हियर. पहले जब फोटो खींचते हो आप, यहाँ खींचते हैं, राइट. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी. फोटोग्राफ को कैसे बेहतर खींचा जा सकता है. सो लेट्स डाइव इन स्ट्रेट अवे. आई वुड नॉट बो यू विद द बेसिक्स. सो इफ यू लुक एट द स्क्रीन राइट नाउ, वी डिज़ाइन दिस एंटायर सीरीज इंटू 5. अब लगता नहीं है कि 5 से हो पाएगा, क्योंकि हर बार एक कुछ चीज़ मिस हो जाता है, एंड देन आई पुश इट टू द नेक्स्ट सेशन, एंड देन दे कीप जंबलिंग अप. अभी काफ़ी सारा चीज़ें इकट्ठा हो गया है, एंड आई डोंट थिंक विल बी एबल टू डू मच. आई डोंट वॉन्ट टू जंप ओवर इट. जल्दीबाजी में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा. डजेंट मेक सेंस. इफ़ यू कैन हियर मी प्लीज टाइप चैट वॉट एवर. आई कैन सी द डैशबोर्ड ऑन माई लेफ्ट. आई कैन सी योर चैट्स टूडे. एंड प्रीवियस एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट लेंसेज, कैमरा. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस अगेन. फिर से पहले भी आपको मुझे पता है, ये स्लाइड्स आप देख चुके हो. आई एम जस्ट क्विकली ट्राइंग टू. बहुत सारे नए लोग हैं जो आज स्पेशली ओनली कॉम्पोजिशन के लिए आए, सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस. सो वी अंडरस्टूड अबाउट एक्सपोजर, लेंसेज, सेंसर साइज. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, द सेंसर इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी कैमरा हार्डवेयर यूनिट. जैसे आईफोन का भी सेंसर होता है, जैसे वाव फोटोग्राफ्स आते हैं, एंड DSLR का भी फोटोग्राफ्स आता है. जब मैंने आपको बताया कि आईफोन का एक नाखून के साइज़ के बराबर का सेंसर है कंपेयर टू अ DSLR विच इज़ दिस बिग, राइट, एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंस हैपन्स. एक्चुअली समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कंप्यूटर में ले जाके दोनों को सामने रखोगे ना, देन यू रियलाइज ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा कैमरा में. सो नो सेलफोन कैमरा कैन गिव यू दैट क्वालिटी व्हाट अ DSLR कैन डू. बट इफ़ यू हैव अ सेलफोन कैमरा, यू नीड टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव. और आज इसी पे बात करेंगे. आज हम DSLR के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सेलफोन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे. फ्रेम, कैसे चीज़ को फ्रेम में डाला जाता है. अगर आप एक इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट देख रहे हो, उसको कैसे वाव बनाते हैं, बिकॉज देयर फ्रेम्स ऑल ओवर द प्लेस. यू हैव टू बी अटेंटिव. आपके दिमाग चलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, इज दैट अ फ्रेम, या मैं इसको इंक्लूड कर लूँ. ये लड़का भाग के इधर से आ रहा है, क्या मैं वेट करूँ वहाँ पे आने के बाद वाव पिक्चर बनेगा. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट दैट मथुरा स्टोरी, है कोई हारमोनियम बजा के आ रहा था, इफ यू रिमेंबर, राइट. एंड पीछे लिखा हुआ था दाना पानी, एंड आई वेटेड फॉर दैट मोमेंट. और वो क्रॉस करता है, पीछे दाना पानी का साइन बोर्ड था, एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट फोटोग्राफ. इट्स योर पर्सनल जर्नी, सो लेट्स मेक इट एक्साइटिंग. Shutter speed, ISO, that triangle that I explained it to you last time. If you still have doubts, please get back. ISO, I am sure, sabko samajh mein aata hi hai. It's about shutter speed and aperture, jahan pe logon ko confusion ho jata hai. So if you want, I am sure you guys have done experiments. If you have, you will also get a lot of these understanding of the combinations. Kyunki shutter plus aperture ka hi combination se banta hai. And am I getting chats or not? Because आज फिर से मेरे पास chats नहीं आ रहा है फ़ोन पे. I logged in today, guys. Trust me, seriously. So we talked about this bucket exercise. कि पानी bucket की exposure is like a bucket. जितना जल्दी भरेगा उतना जल्दी आपका exposure complete होता है. Objective is to complete the exposure. And the exposure would mean कि बारिश तेज़ हो रहा है तो मतलब light ज़्यादा है. That was the example I had given you, if you remember. Which means जल्दी से शटर को ओपन क्लोज करके आप एक्सपोजर ले सकते हो. अंधेरा है तो
तो ज़्यादा टाइम के लिए खोल के रखना पड़ेगा. आई ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड. सो फ्रेम साइज़ के बारे में हम लोगों ने बात की, हम जो जंपिंग हम लोगों ने जूम लेंसेज के बारे में, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज दैट यू गेट, दिस इज स्पेसिफिक टू डी एस एल आर कैमराज एंड लॉट ऑफ दीज पॉइंट एंड शूट कैमराज ऑल्सो नाउ कम विथ स्पेसिफिक लेंसेज. वी स्पोक अबाउट फोकल लेंथ, हाउ टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, which is the distance between the lens and the sensor. That is how it works. We spoke about the distance and a lot of other stuff. Today we are going to talk about composition, rule of elements of design and rule of thirds. Rule of thirds kya hota hai, aap log shayad padhe honge, I don't know, some of you if you are photographers you would understand. Oh, there are chats, it's there on the screen now, but it's not happening on my phone, unfortunately. Again, that same problem has come in. And let me just type and see test. Let's see if that appears. It's appearing on my screen, but I don't seem to get your messages. I don't know why. आपको अगर कुछ भी टाइप करना हो, टाइप करते जाइए, बीच बीच में मैं ये स्क्रीन इसको बड़ा करके लगा लेता हूँ. सो आई कीप रीडिंग इट फ्रॉम द स्क्रीन ओनली. ओ ग्रेट, ओके, देयर सो मेनी न्यू पीपल टुडे. Okay, so what will we explore today? We'll be exploring composition, elements of design. So I'm quickly going straight to the topic because aaj bahut sare photographs share karna hai, understand karna hai concepts. There are a lot of concepts that we need to understand. And within elements of design would mean their lights, their shapes, their values. Ye sab thoda sa confusing lagta hai, so I'll explain each of them in short snippets. Examples देखे. So I sat till 5 o'clock in the morning last night trying to make this presentation slightly interesting. तो सारे इंटरनेट से जो भी चीज़ें मिला सब कुछ उठा उठा के यहाँ पर डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट यू टू गेट कन्फ्यूज विद दीज टर्मिनोलॉजीज. इंटरनेट पर टर्मिनोलॉजीज मिल जाता है, समझने के लिए मुश्किल होता है. सो लाइन्स इज फर्स्ट थिंग दैट वी वुड अंडरस्टैंड. सो आई वॉन्टेड टू, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देर इज दिस ब्यूटिफुल इमेज आई पिक्ड अप फ्रॉम इंटरनेट. यस, इट्स अ फोटोग्राफ, इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग, बट वट आई वॉन्टेड टू शो केस इज ये फोटोग्राफ बहुत ब्यूटिफुल है. दिस इज प्रॉब्ली हाउ यू सी इट, मे बी इवन वाइडर. आप जब रियल सिचुएशन पे होते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, मैं जब एक्चुअली एक सीन पे होता हूँ विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई लुक थ्रू द कैमरा, आई कैन ओनली सी अ पोर्शन ऑफ इट. तो प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे तो बहुत सुंदर नज़र आ रहा है लेकिन फोटोग्राफ में डालूँ तो क्या डालूँ. सो दैट इज़ सम डिलेमा दैट वी ऑलवेज हैव. सो आई ट्राइड टू जूम इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोटोग्राफ. सो ऑन द राइट इज़ द जूम्ड इन फोटोग्राफ, मे बी समथिंग दैट यू विल क्लिक व्हेन यू आर देयर, एंड ऑन योर लेफ्ट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इट यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग ऑन लोकेशन. इससे भी ज़्यादा दिखाई देता है एक्चुअली बाय द आई. आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्विकली गो थ्रू इट. सो ये समझ रहे हो आप कि एक सीन से ही बहुत सारे फोटोग्राफ्स बन सकते हैं. आई एम नॉट, सो ईदर यू यूज़ अ जूम लेंस टू गेट मल्टीपल वेराइटीज ऑफ इमेजेस, और आइडली द बेंच, व्हाट आई फॉलो द थंब रूल इज आई टेक अ वाइड एंगल ऑफ एनी लोकेशन एंड देन टेक सैंपल्स. मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आई टेक जूम क्लोजअप्स और वट एवर इज पॉसिबल विद इन दैट कैमरा विद इन अ नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंस. आई ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर दोज एलिमेंट्स. वो दोज एलिमेंट्स कैसे कैप्चर होता है, इट्स बिकॉज द एलिमेंट्स हैव टू बी बैलेंस्ड. आपको वेट करना पड़ता है कभी किसी चीज़ को लाने के लिए. कुछ नहीं है तो हाथ सामने रख दो, लाइक आई थिंक आई एक्सप्लेन दिस लास्ट टाइम. कुछ भी करो बट गेट समथिंग बेटर. फोटोग्राफी इज द फोटोग्राफ इज ऑलवेज देयर, द सीनरी इज ऑलवेज देयर. आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपका वैल्यू एड क्या है, हाउ हैव यू एनहेंस दैट सीन, एंड दैट इज़ वेयर फोटोग्राफी कम्स. इट्स नॉट अबाउट क्लिकिंग द बटन. ये तो कोई भी कर सकता है, आप चाहे सेलफोन से भी खींचो, आप चाहे, दिस इज़ वन मोर फ्रेम, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन. सो आई कुड फाइंड 3 इंटरेस्टिंग इमेजेस आउट ऑफ द सेम सिंगल इवेंट, एंड दैट इज़ वाई यू गाइज विल हैव टू रियली फोकस इन टू वॉट यू आर लुकिंग एट. हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, दिस आई पिक्ड अप, आई थिंक दिस इज फ्रॉम मुंबई. It's a wintry morning, wo rays aa raha hai and this is the long shot that I could pick up and I took a closer shot. So closer shot ke liye main ye bolna chahta hu, cell phone mein bhi aap finger ko aise karte ho to zoom ho jata hai. Pehle bhi maine aapko bataya, I'm still telling you again, when you do this it's a digital zoom, not an optical zoom. Optical zoom matlab binocular ki tarah wo andar ja raha hai, jo lens mein hota hai, jo cameras mein hota hai. अगर आपके पास पॉइंट एंड शूट कैमराज भी होगा तो वहाँ पे स्पेसिफाइड होगा 3x इज
optical, and 10x would be digital. I'm just giving an example. So optical is what you should use, not digital, because digital mein aap sirf usko zoom out kar rahe ho ya usko size ko image ko bada kar rahe ho, which you can do it on a computer. Why rely on a 15,000 rupees chipset of a computer or of a digital camera chip, which is never compared to a computer. If you do it on a computer, you will get better results. So on location, click as much as you can go in if you want to optically. Digital zoom mat kijiyega. So elements of design, I'm quickly going on to what I can. There are lines, there are shapes, there are textures. These are the things that you should look for. Aap agar photo khich rahe ho to hamesha ye dekhiyega ki samne kya aapko nazar aa raha hai, kya kuch line se kuch ban raha hai, kuch line hai, jaise ki ek darwaze mein bhi it's a rectangle or four lines. Kya pattern ban raha hai do darwaze ke piche is angle se. So if you are clicking it from this angle, maybe do darwaza flat dikhai de raha. Aap ek angle se khichoge to shayad piche ek aur darwaza iske piche hai, and it creates a depth. So you have to always see how to create depth. Maine pehle bhi aapko bataya tha, location pe aap jab rehte ho, it's a flat looking landscape, and most of the people get it wrong. Kyunki aap landscape ko photo khich rahe ho, piche pahad hai, theek hai, you can see clouds, one layer, two layer, three layers. You can create an additional layer by keeping something in the foreground. Blur aa raha hai, aane do. Aap kuch nahi hai to haath rakh lo. You'll see the difference in the photography that you'll evolve slowly with. So form and depth is something that will probably come under that category. Aur ye categories main baar baar aapko bata raha hu, ye categories aisa nahi hai ki yahi ram baan hai, isi ko pakad le aur isi ko chalna hai. They are all overlapping each other. These are just elements that you need to keep in mind. And jaise aap 11 baje bhi breakfast karoge to breakfast kaha jayega, it's not wrong. Koi brunch bhi keh sakta hai, koi lunch kar sakta hai, usko jaldi lunch kar liya. So there are no definite categories ki 11 baje ke 1 minute baad khaoge to lunch ho jayega, uske pehle khaoge to brunch ho jayega ya breakfast ho jayega. And that is how you should look at all these elements. These are going to teach you how to create better images, how to make better images using whatever is available. आपके location पे वहाँ पे वही सामान है, लेकिन आप उसको framing में कैसे include करते हो is what makes a photograph a normal photograph to a wow photograph. Negative space के बारे में भी हम discuss करेंगे. So let's go, right? And can I have the chat screen so that I hope you guys are getting my audio clear today. If I'm going too fast, बता दो. क्योंकि मेरे को ये सब कुछ आता है, सो आई विल जस्ट गो ऑन ब्लैबरिंग. आपको बताना है कि इफ आई एम गोइंग टू फास्ट लेट मी नो, आई विल गो स्लो. इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड, टाइप इट इन. व्हेन आई सी द स्क्रीन आई विल एक्सप्लेन, आई विल गो बैक दोज स्लाइड्स एंड एक्सप्लेन इट बैक. लाइन, यस. सो लाइन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिजाइन दैट आई थॉट इज द सिंपलेस्ट. लाइन, लाइन इज 2D, फोटोग्राफ भी 2D है. सो आप लाइन को 2D में रखोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. But if you use the line smartly, why I picked up this photograph is because it's clicked right from the center of a bridge, a crossover bridge of a metro station or a railway station. And if you see, uska roof ka bhi jo lines hai sab converge kar raha hai screen pe agar dekhoge. Aur aapka, because you are clicking from the center, all these railway tracks are also merging to a point. Not that this is a wow picture. Agar uske end mein kuch ho raha hota hai, well, the lines are pointing towards that point, then maybe it would have been a wow picture. But here I'm just trying to, I just picked up random pictures from internet to explain concepts. So these may not be wow pictures, but I wanted to focus, and that's why they'll be black and white, because I don't want you guys to get confused with the colors or distracted by anything else, and that's why I kept it black and white. So going to the next screen, this is another way to use, it's a brilliant way of using. तो हमेशा लोग क्या करते हैं, सामने से ही फोटो खींचेंगे, कोई बैठा हुआ है बेंच में, इट्स अ वेरी बोरिंग सिचुएशन. इट्स एन ऑलवेज, सो यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. आप हमेशा कोई और एंगल से सोचो जो दिखाई नहीं देता है. यूजुअली माय फेवरेट इज आई ऑलवेज ट्राई टू सी फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम जब बच्चे थे हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखते थे, या हम खेलते समय कभी बेंच के कोने से देखते थे. एंड सी डीज एंगल्स, और ये एंगल से जब आप दोबारा दिखाते हो ना उस आदमी को, या उस जो भी देख रहा व्यूअर, दैट महिला हो या आदमी हो जो भी हो, उनको बचपन नज़र आएगा उसमें. सो दे विल नॉट रियलाइज दैट, बट दे विल लुक एट दिस एंड से दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन बिफोर, एंड दैट इज़ वेयर योर पिक्चर बिकम्स स्लाइटली अ मोर इंटरेस्टिंग पिक्चर देन वॉट इट कुड हैव बीन, रादर देन क्लिकिंग जस्ट फ्रॉम द फ्रंट. सो आई एम यूजिंग दीज एरोज टू मेक यू अंडरस्टैंड.
that all these arrows are actually supposed to point towards, like I said in the previous photograph, point towards something where your subject is, your eye is always, the user's eye should always move. So आप जब फोटो खींचते हो आपको ये पूछना जरूरी है क्या ये व्यूअर फोटोग्राफ देखने के बाद उसका आँख इस पॉइंट से उस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा. इट इज़ अ जर्नी. अगर वो नहीं हो रहा है मतलब पिक्चर में कोई दम नहीं. इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग. क्या उसमें तीन चार लेयर्स है. आई बीन ऑलवेज एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. आपको ये देखना है कि क्या पिक्चर में उतना लेयर्स है. क्या ये स्टोरी उस रीडर के बारे में वो सेलफोन बैठ के देख रहे हैं. क्या पीछे क्यों कर रहा होगा. पीछे बैकग्राउंड में देयर इज नथिंग हियर. So it's an ordinary picture, but if there was something, why is he texting? Maybe it's a bus stop, maybe it's in the middle of the road, in the middle of a desert. That is when the picture becomes a wow picture. Foreground mein blurred mein bhi agar kuch ho jisse usko connect kare, jaise it's a bus ticket or something, then it makes sense and that picture has more meaning to it. Lines can be also used like the way it's been used here. Ye arrows isliye dikha raha hu taki you can see it's going, she's walking towards that side which is from the left to the right, and that part of it is exploding and it is in that same symmetry that the woman is in. Uske baad pehle to aap agar imagine karo, aap jab do this exercise yourself, just see the picture and what do you see first. It's a woman, then you see the umbrella, then you see the backdrop of these perpendicular thing. Yahan pe to obviously you'll see the red lines, isliye aapka background pe dhyan gaya hoga, lekin otherwise you'll see the woman, the umbrella, and then you'll see the blocks, and then maybe that there are houses, there's something beyond that. So there has to be layers into what you do. So yahan pe bhi I picked up Eiffel Tower because Eiffel Tower and all these monuments are also, a lot of photographers play on it. They're very excited because they want to capture that same backdrop from different angles. Jaise hum landscape karte hain, hum landscape mein kya hota hai, wahi pahad hota hai, uske piche sunset hota hai, but we always change the foreground. Sun wahi hai, sabka sun wahi hai. There are no two suns in the world or two moons in the world, right? Sabka sun wahi hai, lekin alag alag sunsets hote hain sabke. That is what you have to focus in. आपका foreground में कितना दम है, mid range में कितना दम है, elements ऐसा ढूंढिए कि wow लगे. If there is a green field in between, so sunset तो normal है ही, green field भी normal है, foreground में क्या है. Is it a poor man who is trying to eat something out of his plate which is half empty, then it makes an impact. तो आप हमेशा ये सवाल करो कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो. डोंट जस्ट क्लिक फॉर द सेक ऑफ क्लिकिंग. देयर हैज़ टू बी अ मैसेज, अदरवाइज इट जस्ट अ डॉक्यूमेंट. और मैं हमेशा आपको ये बात बोल रहा हूँ, फोटोग्राफी इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज फॉर क्रिएटिविटी. आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो जर्नलिस्ट बनिए, फोटो जर्नलिस्ट. आप राइट्स हो रहा है या वॉर हो रहा है, आप फोटोग्राफ खींच रहे हो, आप पहली बार अपने घर के एंट्री कर रहे हो, आपके घर में क्या बोलते हो उसको, भूमि पूजन कर रहे हो, आपने फोटो खींचा उसका, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन. लेकिन उसको कैसे क्रिएटिवली बेटर बनाना है, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू नीड टू फोकस एंड मास्टर. ये सेलफोन से खींचो या कैसे भी खींचो, इट डजेंट मैटर. हियर द लाइन्स आर अगेन कन्वर्जिंग, इट्स टेकिंग यू टू द पॉइंट वेयर आईफिल टावर इज, राइट. सो ये लाइन्स जो है इसको ध्यान पे रखिएगा. कहीं भी लाइन्स मिलेगा, नहीं मिलता है आई टेल यू, खाली रोड पे लाइन्स नहीं मिल रहा है, सामने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कॉर्नर पे चले जाइए. शॉप्स के जो शीट्स होते हैं, शटर होता है, या तो उनका शॉप्स के ऊपर जो आपका बोर्ड होते हैं जहाँ पे आप कस्टमर का व्हाट इज़ इट कॉल्ड द शोकेस दैट यू हैव, जहाँ पे आप हाथ रख के सामान बोलते हो भैया ये दे दो वो दे दो. सो दीज कैन बी इंटरेस्टिंगली यूज बिकॉज दे रिफ्लेक्टिव इमेजेस. आप अगर एंगल से देखोगे तो दे वर्क ऑलमोस्ट लाइक ए मिरर. हालांकि ऐसे इट्स अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, नीचे बटर दही बेच रहे होंगे, but that top glass if you take it from a low angle it looks like a mirror, and that is what you can use as a line plus as a reflection element. Lines can be used in any form. Yahan pe lines has been used as a design form. I am using everything guys as a black and white image so that you can understand. It's easier for you to understand the elements, kyunki colored photo mein aapko samajh mein nahi aayega. Main sirf aapko dikha raha hu taki wo jo elements hai wo saaf nikal ke aaye. Yahan pe lines ke karan ye photograph ban raha hai. Because otherwise what is it, it's just a man sitting and writing, there is nothing beyond that. Shapes can be anything, we all know it's a heart, it's a crescent and an octagon, but in general you get shapes which are circle, oval, triangle. Ye sab angles dhoondne ki koshish kijiye. So it's an extension, I guess. Lines is just one line, but if it can create a shape, so this is more a extended 2D version of a line. तो आप एलिमेंट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए. आई विल शो यू हाउ. सो इफ यू गो अंडर अ टावर,
this is what the image you will get. It's a grid, it's a design, and there are a lot of elements that are geometrical in nature. कोशिश कीजिएगा कि टावर जो है, कुर्सी हो, कुछ भी हो, आप कोशिश कीजिए उसमें से वो ज्योमेट्री जो है वो निकल के आए. And that is why I keep on giving you these tasks, because it's going to trigger something in your mind. And it could be stupid simple stuff like mirror से खींच लो एक photo, glass से खींच लो, but that is an exercise that will trigger something in you. So please guys, keep clicking pictures, even if it is inside your house, even if it's from the window, keep doing it, because exercise से ही आपका दिमाग चलेगा. Because हम कुछ सीख के नहीं आते, हमारा references जो हमें मिलता है, जो मैं भी अभी कह रहा हूँ या internet से आपको जो मिलेगा, ये references ही काम आता है. I like the left one beautiful because of the shadows that it's creating on the floor, the pattern that's there on the roof, and these are again patterns. So multiple shapes also create a pattern. You can look at patterns, not that you get it everywhere. A flower, I wanted to share this because a flower also has a shape. ये oval oval shapes के जो petals है, ये क्या है, ये एक pattern ही तो है. Try to find a pattern, and if there is a layer of flowers, that will create more patterns out of it. आप देखिए, even if it is branch that you look at it, it's still actually coming out of a central main trunk, and that is why I would see this as an organic pattern. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैन मेड हो, हर चीज़ एग्जैक्टली ज्योमेट्री के हिसाब से हो, बट इट हैज़ टू क्रिएट अ पैटर्न. एंड दिस इज केओस, बट इट्स स्टिल अ पैटर्न. इट्स कमिंग आउट फ्रॉम वन पॉइंट गोइंग टूवर्ड्स, और यू कैन लुक इट द अदर वे अराउंड, दे ऑल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ट्रंक, राइट. दिस इज अनदर वाव फोटो. यहाँ पे तो देर इज नो पैटर्न एट ऑल, इट्स केओस, बट इट जस्ट लुक सो वाव. आपको हर जगह, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, हर जगह ये इमेजेस है, आपने ध्यान नहीं दिया. सो अपने ब्रेन को, अपने आँख को ऐसे ट्रेन करो आप, और ढूंढते रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. एंड दीज फ्रेम्स, दीज पैटर्न्स, ऐसा नहीं कि कोई लकी फोटोग्राफर है तो उसको बढ़िया फोटो मिल जाता है. यू हैव टू ट्रेन योर आई नॉट टू मिस इट, इट्स ऑल देयर. आप जब अपने घर में जाके कैमरा लेके अलग अलग एंगल से ढूंढने लगोगे ना, आपको इतने सारे नए एंगल्स मिलेंगे, इतने नया क्रिएटिव एलिमेंट्स मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते. यू डोंट इवन हैव टू टच एनीथिंग. टच करोगे तो ऑब्वियसली और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन द वे योर हाउस इज, द वे योर रूम इज, द विंडो इज, द वे द थिंग्स लुक फ्रॉम द विंडो, आप उसको क्रिएटिव एंगल से देखिए, कुछ एक अलग नज़रिया से देखिए. मे बी जस्ट थिंक लाइक अ चाइल्ड. हम जब बच्चे थे, हम बहुत क्यूरियस हुआ करते थे. आई थिंक यू नीड टू गेट दैट बैक इन टू योर सिस्टम, एंड इट विल रियली वर्क. I love this photo because there is a reflection of the same that black bridge. ये bridge के नीचे से लिया गया है. So ये bridge का shadow जो पानी में गिर रहा है is nothing but a reflection. And that is also a pattern. It's like an hourglass. एक pattern ही है. Look for patterns. It always enhances a picture. Otherwise, so if I go back to this picture, otherwise ये bridge के नीचे से नहीं खींचता तो कुछ भी नहीं होता. It's just dull grey. There's hardly anything to be seen. सब कुछ धुंधला धुंधला है. एक आदमी है, बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग, बट दिस ब्रिज इज एडिंग दैट एलिमेंट टू इट. सो लुक फॉर एलिमेंट्स, लुक फॉर डिजाइंस, इवन अ सिंपल थिंग लाइक अ साइकिल विथ अ रिफ्लेक्शन. इफ यू कैन सी विथ अ रिफ्लेक्शन, यू कैन सी द ट्राइंगल इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल ऑन द अदर साइड. यू कैन सी दैट द सर्कल इट्सेल्फ इज देयर आर टू सर्कल, सो इट्स मेकिंग अ शेप ऑफ एन एट मे बी, राइट. यहाँ पे देखो आप, मैंने स्पेसिफिक फोटोग्राफ्स को फिर से ट्राइंगल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड देर आर शेप्स एवरीवेयर, यू नीड टू सी देम. मैं आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड शेप्स एंड लाइंस, दे ऑल सिमेट्रिक. सो दिस लाइन हियर, इफ यू कैन सी माई माउस, इट्स गोइंग टूवर्ड्स वन पॉइंट, राइट. एंड देर कुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग देर. इफ दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट विल बी अ वाव फोटोग्राफ, ट्रस्ट मी. So there are triangles everywhere. These are horizontal squares, shapes. So there are shapes everywhere. Or ye shape ko break kar raha hai, left picture mein is the girl. And she is either shy or she is scared or she is lonely. That emotion is depicted only when you do that. Aap pehle symmetry dhoondiye, फिर उस सिमेट्री को तोड़ने की कोशिश कीजिए. और राइट नाउ इफ इट इज हैपनिंग इन अ वे, सो इवन हियर दिस चेन इज ब्रेकिंग दैट सिमेट्री हियर एज अ फोरग्राउंड एलिमेंट. सो दिस चेन इज टेलिंग यू दैट इट्स प्रॉब्ली अ प्लेस वेयर बोट्स आर
tied together, or I don't know what could be the reason, but it inspires a person, it triggers a person to think. And I'm going to quickly go to other elements as well. Color is my next element, and color obviously sabko pata hai aaj black and white photograph nahi hote. Can I see the chat board please? So if you guys, if I'm going too fast, just ask me questions and just to understand. It will take me 15 seconds to understand because mera yahan pe live jo hai 15 second late aa raha hai. Aapke paas bhi 15 second late aa raha hai jo main bata raha hu aur aapke mein, it's called deferred live. So colors, colors would mean that you are using colors of the spectrum. Hame sab pata hai blue, green, red, sab alag alag type ke colors hote hain. But how do you use colors to make it wow? So we all know that color photographs look better than black and white photographs, not necessarily, because kya hota hai, maine abhi aapko jaise bataya colored photographs ke bare mein. Colored photographs mein kya hota hai ki it is about the color, and sometimes color kills the contrast. इसीलिए हम भी जब पहले किसी को कोई अगर फोटोग्राफ खींचने का इच्छा रखता हो, कोई शुरू करने वाला हो, वी ऑलवेज टेल देम ब्लैक एंड वाइट में खींचो, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड अराउंड यू इन ब्लैक एंड वाइट, व्हिच इज़ कॉन्ट्रास्ट, वाइट एंड ब्लैक. और जब कॉन्ट्रास्ट होने लगोगे तो आपका दुनिया एक नए एंगल से दिखाई देगा. काश एक चश्मा होता जिससे आप पहन के यू कुड हैव फिगर्ड आउट द एंटायर वर्ल्ड इन ब्लैक एंड वाइट. इट्स नॉट ईजी गाइज. It's less than, okay, it's more than 15 seconds now. This is going about 20 seconds deferred. So I'll carry on. I'll keep seeing the chat board later. Colors. So you can use simple stuff like this. I found these very brilliant. All basic photographs that I could see. Lekin har photograph mein kuch hai. Jaise yahan pe sirf ek clip hai. Aur ye orange clip is trying to say, maybe it's different, maybe it's alienated, maybe it doesn't feel like the same, or maybe it's different. Humne ek bar stock photography ke bare mein bola tha. So I would love to pick this up as stock photography. If I'm trying to tell about my product or my client's product, I would love to pick this up saying that, hey, we are different, we don't follow the normal trends. And that is why these photographs are always very interesting. They're powerful because this image can emote 1000 expressions. आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके से इसको दिखा सकते हो. यही इमेज बहुत सारे चीज़ कह सकते हैं. हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. दिस इज इसमें देखो आप कलर को कितने बढ़िया तरीके से निकाला गया है. सो ऑल यू सी इज दोज टू येलो एंड रेड बॉक्सेस आउट ऑफ दैट रियल. एंड दिस इज नॉट ट्रीटेड, दिस बाय द वे दिस आर नॉट ट्रीटेड पिक्चर्स. आप अगर एक मेटल it's looking like a tower, it looks like Eiffel Tower, I don't know what. लेकिन आप अगर नीचे से अगर ऐसे लोगे metal grids होता है which are grey in color, ये same boring look आएगा. दोपहर के समय आप खींचोगे तो sky यही white आएगा. But look at that image, it's just popping out. So use color smartly. That's what I'm trying to say. और ज़रूरी नहीं है कभी lines important होगा. यहाँ पर lines, you could have tried using lines as well. लेकिन कुछ और angle से वो lines इंटरेस्टिंग लगेगा. बट राइट नाउ द फोटोग्राफर हियर वॉन्ट्स टू गेट द कलर्स, मेक द यूज ऑफ द कलर्स. सो यू कैन यूज कलर्स, शेप्स, लाइन्स, वट एवर यू वॉन्ट टू. दिस इज अ पिक्चर विच इज़ वेरी कॉमन डेट यू गेट टू सी इन मोस्ट ऑफ दीज रोडवेज, ढाबाज. बहुत सारे लोगों के घरों में भी ये होता है कि बेडरूम अलग कलर का हो, ड्राॅइंग रूम अलग कलर का हो, हर टाइप का कलर घर में हो. सो ये आप ध्यान से ये पिक्चर देखोगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट गिव्स यू. एंड स्पेशली अलॉट ऑफ आई फाउंड अ लॉट ऑफ दीज हाउसेज एंड ढाबाज इन राजस्थान ऑल्सो, दे इंटरेस्ट वेरी इंटरेस्टिंग, दे स्मार्टली यूज दिस कलर. सो येलो एंड ब्लू इज अ वेरी कॉमन कलर एट यू से इन राजस्थान. आई डोंट नो इफ दे एल्सवेयर एज वेल. ओ थैंक यू. नाउ द फाइनली आई कैन सी द चैट. ओके ग्रेट, थैंक यू. कैन यू शो एन एग्जाम्पल पुटिंग हैंड टू एनहेंस कॉम्पोजिशन. ओके आई विल डू दैट. Great. So I will get back to you on this. It's really delayed today. I don't know, maybe the internet is not working properly. So agar aap left side mein dekhoge, there is a small chart saying white balance. Aur ye har logon ne dekha hoga, niche ka at least designs dekha hoga, phone pe bhi aata hai. What is white balance? White balance is about telling the camera ki boss white ye hai, because the camera doesn't know ki ye white kya hai. For example, simple example, यहाँ से लाइट जो आ रहा है वो येलो लाइट है. ओके, येलो मतलब टंगस्टन बल्ब,
येलो से आ रहा है, आप ध्यान से देखो, अभी अब मैंने आपको बोला तो इसलिए येलो है. व्हाई इज इट येलो? बिकॉज द कर्टन्स ऑन दिस साइड इज स्लाइटली येलोइश इन टिंट. ठीक है, यस. यहाँ से ब्लू कलर का लाइट आ रहा है विच इज अ नॉर्मल ट्यूब लाइट कलर. क्यों किया मैंने? सो आपको समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें विच एनहेंसेज द पिक्चर. अब मैं इसको इधर कर दूँ तो बिल्कुल फ्लैट लगेगा. ये जो कलर्स निकल के आ रहा है ना, मैंने सैचुरेशन नहीं बढ़ाया. एक्चुअली द कैमरा सेटिंग्स में सैचुरेशन -2 में है अभी, कॉन्ट्रास्ट -2 में है, लेकिन फिर भी कलर्स निकल के आ रहा है. सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई वॉन्टेड टू डू अ स्पेशल सिटिंग विथ यू गाइज ऑन पोस्ट प्रोडक्शन. बिकॉज कुछ लोगों को लगता है ट्रीटमेंट मतलब कलर फुल कर दो, कॉन्ट्रास्ट फुल कर दो, बस बूम इंस्टाग्राम में भेज दो. नो, दैट्स नॉट द वे इट्स डन. इट्स एक्चुअली गेटिंग द कलर्स लो. अब अगर कोई भी पिक्चर में देखोगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कलर्स दिस विल बी एटलीस्ट -1. दिस इज डेफिनेटली -2. ये नॉर्मल है, राइट? सो प्लस इट्स अ जर्नी. मैंने आपको पहले भी बोला था, इट्स अ जर्नी. फोटोग्राफी इज ऑलवेज अ जर्नी. मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता दूंगा ताकि आप बूम यू कैन स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन लर्निंग द बेसिक्स. लेकिन आगे का सफर जो है वो आप ही को करना पड़ेगा. आई कैन ओनली टेल यू द बेसिक्स एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू डू अ स्पेशल सेशन टूडे. एक्चुअली 4th सेशन वॉज सपोज टू बी ऑन पोस्ट प्रोडक्शन. नेवर माइंड, वील डू इट मे बी नेक्स्ट वीक. So on the left hand side you see these lights. So the sun would mean Suraj. Simple. The house with those lines means shade. Cloud means under cloudy situation, overcast. और हर समय जब cloud होता है तो color of the sun of the daylight is different. Bulb is more yellowish. A tube light. So I am using a bulb here on this side and there is a tube light on this side. सो कैमरा को बताना पड़ता है. नाउ इफ आई टेल द कैमरा डैट दिस आई एम यूजिंग अ ट्यूब लाइट फॉर वाइट बैलेंस, तो इसको रेड कर देगा. और मैं अगर बोल दूँ कि मैं बल्ब को लेके चल रहा हूँ तो इसको ब्लू कर देगा. यू विल सी ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम दिस साइड बिकॉज आई एम टेलिंग द कैमरा. कैमरा डजंट नो. कैमरा इज आर स्लेव. दे आर रेस्पॉन्डिंग टू वट वी से. ऑटो मोड काफ़ी अच्छा है कुछ हद तक. इनफैक्ट टुडे आई थिंक इवन सेलफोन्स में ही मेरे को बहुत कम टाइम ऐसा होता है व्हेन आई एम एक्चुअली वांटिंग टू एक्सपेरिमेंट, तभी मैं उसको मैनुअल मोड पे ले जाता हूँ. वाइट बैलेंस ऑटो पे 99.9% एकदम बढ़िया बिंदास फोटो देता है आपको. इन द सेंस फोटोग्राफ व्हेन यू क्लिक फोटोग्राफ्स आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रेप्लीकेट वॉट यू आर सीइंग. ये नहीं होता है कि एक सिंपल सा चीज़ कुछ देखा तो इसको वाव बना के लिए कलर बढ़ा दो. जो चीज़ आपको लोकेशन में जैसे दिख रहा है वैसे उसको निकालना है. बट सो देन वाई विल somebody से वाओ टू दैट पिक्चर? इट्स बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट यू पुट इन. कि वहाँ पे वो बच्चा जो खेल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कैसा है, एंड दैट इज़ वॉट एनहेंसेज द पिक्चर. मे बी इट्स अ फ्लड और वो बच्चा बोट लेके ऐसे पकड़ा हुआ है एंड स्माइलिंग, बट देर इज सो मच ऑफ सैडनेस इन इट एंड दैट इज वॉट अ फोटोग्राफ, वॉट मेक्स अ फोटोग्राफ वेरी पावरफुल. सो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा. सो के में केयर इज अ के एज वेल. के मीन्स केल्विन. कलर टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, जैसे सेंटीग्रेड होता है, फेरानाइट होता है. केल्विन इज अ टेम्परेचर वी यूज फॉर कलर. सो कूल मीन्स ब्लू, वार्म मीन्स रेड. सिंपल. सो आप के में दबाओगे तो वहाँ पे नंबर्स आते हैं विच रेंजेस फ्रॉम अबाउट, अलग अलग कैमराज का अलग अलग रेंज होता है, बट जनरली अबाउट 1500 टू 7000, 8000, 9000 का रेंज में जाता है. यू हैव टू टेल द कैमरा कि बस दिस इज़ द राइट कलर, दिस इज़ द राइट कलर. यहाँ पे हम दोनों लाइट यूज़ कर रहे हैं तो हम इन दोनों के बीच में रख के शूट कर रहे हैं अभी फिलहाल. सो इट इज़ नॉट वाइट, इट्स नॉट ब्लू, सो दैट द कैमरा डजेंट गेट कन्फ्यूज. द सेंसर विल डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज इन सच अ सिचुएशन. सो टू ओवरकम यू गो ऑन अ मैनुअल मोड. देर इज ऑल्सो दिस सेकेंड, इफ यू कैन सी द माउस हियर, दिस ये आपके फ़ोन पर भी है. दिस इज टेल द कैमरा दैट वाइट बैलेंस मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है, बट यू डोंट नो केल्विन, राइट? मेरे को पता होगा, मेरे को भी नहीं पता केल्विन क्या होता है. एटलीस्ट आई डोंट नो ये बल्ब का टेम्परेचर क्या है. किसी को नहीं पता होगा अनलेस यू हैव स्पेसिफिक मीटर्स और यू रियली डन 10 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफी. सो ये जो आपका पॉइंट है, ये जो बटन है, इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपको करना क्या है, एक वाइट पेपर यहाँ पे रखना है और कैमरा को बोलना है ये वाइट है बस, अब देख लो अपने हिसाब कर लो. सो अगर उसको येलो लग रहा है तो येलो कर लेगा, वाइट लग रहा है तो वाइट कर लेगा, ब्लू लग रहा है तो ब्लू कर लेगा. सो इट्स अबाउट एंड दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव.
इट्स यूज ऑन अ डी एस एल आर, इट्स कॉल्ड वाइट बैलेंसिंग. सो वाइट बैलेंसिंग में लोकेशन पे जब अलग अलग टाइप्स के लाइट आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के लाइट भी प्रोफेशनल शूट में, थोड़ा सा येलो ज़्यादा होता है किसी में, किसी में ब्लूइश ज़्यादा होता है. इट्स नेवर परफेक्ट इवन इफ इट्स ऑन प्रोफेशनल लाइट्स दैट यू यूज, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू वाइट बैलेंस एवरी सेटिंग दैट वी डू. कहीं विंडो से भी लाइट्स आ रहा है तो वो भी थोड़ा ब्लूइश टिंज आ जाएगा आपका, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन दिस. वाइट बैलेंस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू स्पीक एंड शेयर इन डिटेल. तो इसको अब यहीं रोकते हैं. कलर्स आपको समझ में आए, आई होप समझ में आया होगा आपको, बिकॉज योर चैट्स आर कमिंग लेट सो आई वुड नॉट नो, बट ट्राई टू मैक्सिमाइज कलर्स एंड टू मेक दिस सिंपलर. वॉट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज जो रेड होता है इज अबाउट 1000 तो शायद कैमरा में भी नहीं होगा आपका, जितना भी हो कैमरा में मिलेगा आपको, यू कैन यूज़ दैट. सो यू कैन टेल द कैमरा दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ मॉर्निंग सनराइज शूट द लाइट ऑलवेज लुक्स बेटर. फोटोग्राफ ध्यान से देखिएगा, सुबह या शाम को फोटो खींचो बेटर आता है. क्यों? क्योंकि लाइट, सूरज का जो लाइट है वो साइड से आ रहा है, ऊपर से नहीं. ऊपर से आते हैं तो यहाँ पे शेडोज आ जाते हैं, यहाँ पे शेडोज आ जाते हैं, इट लुक्स वेरी डार्क. प्लस बिकॉज द सन इज़ वेरी ब्राइट ऑन द टॉप, द कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी हाई. सो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर इट वर्क्स, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कलर्ड फोटोग्राफ अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट्स वॉट यू यूज टू डू. सुबह सबसे पहले सनराइज देखो, एंड दैट्स वेन यू क्लिक अ फोटोग्राफ. यू हैव टू लीव वेन इट्स डार्क इफ यू रियली वॉन्ट गुड पिक्चर्स, और इन द इवनिंग वेन इट्स लेट इन द इवनिंग. बट प्रॉब्लम यही है कि शाम को फिर इतने लोग हो जाते हैं, खाली सड़क आपको मिलेगा नहीं इफ़ यू वॉन्ट टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी. एंड यू शुड ट्राई डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी इवन इफ यू हैव अ सेलफोन कैमरा, बिकॉज इट ट्रिगर्स द वे यू थिंक, द वे यू स्टार्ट सीइंग लाइन्स, शेप्स. ये सब चैलेंजेस तभी आएंगे बिकॉज इट्स अनप्लान्ड. आप जा रहे हो, आप सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं से आपको बनाना है. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. सो इफ द सन इज एट दिस एंगल एंड इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको अपने कैमरा या सेलफोन को बताना पड़ेगा कि बॉस येलो नहीं है, ये येलो ही वाइट है. अदरवाइज यू विल गेट अ रेड येलोइश टिंज ऑन द फेस और एनीथिंग दैट द लाइट फॉल्स ऑन. एंड दैट इज वन ट्रिक दैट विल रियली चेंज योर फोटोग्राफ्स दैट यू क्लिक. ट्राई डूइंग इट. टेक अ स्नैपशॉट इफ यू वॉन्ट टू, अदरवाइज आई कैन ऑलवेज शेयर इट ऑन द ग्रुप. इफ यू आर नॉट ऑन द ग्रुप, टेक्स्ट मी, आई विल सेंड इट टू यू. सो वट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड इज ये जो सारा रेंज है आपका रेड टू ब्लू, इफ यू लुक एट इट, इज एक्चुअली दिस पोर्शन, दिस मच ऑफ द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ विजिबल लाइट. हम सिर्फ इतना ही देख पाते हैं ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम. आर आइज कांट सी बियॉन्ड और अंडर. सो अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम सुना है? अल्ट्रा वायलेट रेज इज ऑल्सो लाइट. यू वी के बारे में सुना होगा आपने, अल्ट्रा वायलेट. एंड देन यू हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट इंफ्रारेड लाइट्स भी यही होता है, माउस में भी इंफ्रारेड होता है. दैट्स द लाइट दैट यू कैन सी बिकॉज इट्स टुवर्ड्स द रेडिश साइड. और भी हाई एंड में होता है, मेडिकल इक्विपमेंट से भी यूज होते हैं. एक्सरे इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइट विच यू कैनॉट सी बिकॉज योर आइज आर एंड योर ब्रेन इज नॉट इक्विप्ड टू सी इट. बट दीज आर ऑल वेव्स, वेव लेंथ से ही कलर बनते हैं, लाइट बनते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू. FM रेडियो एंड ऑल इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, बट यहाँ पे आई डोंट थिंक इट्स अ राइट वे, राइट थिंग टू डिस्कस. सो आई होप यू गॉट इट क्लियरली. कलर्स को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है ये आपको देखना है, लाइन्स को कैसे यूज़ करना है आपको देखना है, शेप्स कहाँ कहाँ मिल रहा है, पैटर्न कैसे बनाया जाए. ट्राई टू बी ऑर्गेनिक इन वॉट यू डू. सो पैटर्न इज माई नेक्स्ट टॉपिक हियर. चेयर्स स्टेडियम में कुछ भी मिलते हैं, आपके कारपेट में भी इतने सारे पैटर्न्स हो गए. कभी जूम इन करके ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग. बेडशीट्स में मिलेगा आपको पैटर्न्स. जस्ट keep that on your cell phone, keep it pressed on the screen and it will focus to the nearest point and you will see lines. So textures, patterns, anything, sirf lines leke maza nahi aayega. So it's that moment, you have to wait for that moment. I keep telling you guys, wait for the moment. So when something happens, when somebody comes in and she's trying to figure out ye hai kya cheez, and that is when you have to click the photograph. So you wait. Patterns, ye sare patterns hi hai. So if it is just a pattern, वेट फॉर अ मोमेंट. और इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, आस्क समबडी टू पुट देयर हैंड, और या तो आप ही अपना हाथ दे दो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन क्वेश्चन दैट केम इन सेइंग दैट हाथ से कैसे करते हैं. सो मे बी फ्रॉम दिस साइड इवन इफ यू ग्रैब इट, ये तो दूसरी साइड से, लेकिन आप इस तरफ से भी अगर पैटर्न को या ये नेट को पकड़ लो और फिर फोटो खींचो, आपको फिर भी यही इफेक्ट मिलेगा. राइट,
हाथ अगर बोरिंग लग रहा है तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा लो, डू समथिंग विथ इट, और जस्ट राइट समथिंग ऑन योर, मेक अ स्टार हियर. यू हैव टू थिंक एंड डू समथिंग डिफरेंट एंड देन योर पिक्चर स्टार्ट स्पीकिंग. इट हैज़ अ लैंग्वेज, इट स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू. ये सिंपल घर का विंडो है, यहाँ भी पैटर्न है. आप इसके पीछे आप कोई शेडो यूज़ कर सकते हो और वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, पेपर प्लेन चला दो इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स एंड देन क्लिक द फोटोग्राफ देयर. आई एम जस्ट शोइंग यू पैटर्न. दीज आर पैटर्न फ्रॉम आर एवरी डे फर्नीचर, ड्राॅइंग रूम में, बेडरूम में, ये सब दीज आर नॉर्मल थिंग्स. मैं आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा हूँ जो आपको नहीं मिलेगा, राइट? एंड सो ओके, सो वेन आई टॉक अबाउट पैटर्न्स, आई वॉन्टेड टू यूज द सेम इमेज फॉर शोइंग यू वैल्यू. वैल्यू मीन्स कॉन्ट्रास्ट, मीन्स ब्लैक एंड वाइट. वैल्यू मतलब जो लाइट है, लाइट का वैल्यू कितना, इंटेंसिटी, विच इज़ ब्लैक एंड वाइट. सो ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कॉन्ट्रास्ट. अब अभी ब्लैक एंड वाइट, आई टोल्ड यू अबाउट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स. ब्लैक एंड वाइट इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट बिकॉज वैन यू मेक दिस, सी हियर यू लुकिंग एट अ पैटर्न, इट्स लुकिंग नाइस, बट वैन यू गो द ब्लैक एंड वाइट यू ओनली फोकसिंग ऑन द डेप्थ ऑफ इट, यू ओनली लुकिंग एट द डिज़ाइन पार्ट ऑफ इट, राइट? सो ब्लैक एंड वाइट मैं इसीलिए आपको बताता हूँ. सो आई हैव गिवन वन चार्ट हियर ऑफ हाउ दे कन्वर्ट. सो अ येल्लो बिकम्स लाइट ग्रे, ब्लू. सो ये अगर देखोगे ग्रीन ब्लू, अगर आप फोटोग्राफ खींच रहे हो दो अलग अलग लिफ्ट्स के, ग्रीन एंड ब्लू, इट्स लुकिंग वाओ. लेकिन उसको ब्लैक एंड वाइट कर दोगे तो देन इट ऑलमोस्ट लुक्स, बोथ लुक ग्रे, ऑलमोस्ट डार्क ग्रे. सो इट्स नॉट गोइंग टू लुक वाओ. सो यू हैव टू फिगर आउट फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट परस्पेक्टिव व्हाट विल लुक बेटर, व्हाट विल नॉट. I picked up this photograph because I like the boy's expression. I like one side of the window. I like the clutter on the right hand side. Upar se ye trees ka jo shadow wall pe gir raha hai. It says a lot. 42. Okay. We already got. Samajh mein nahi aaya. 42 minutes ho chuka hai. Time for me to take a sip. So I hope I'm getting it right. I'm not going too fast because fast ja raha hu to wapas aapko main samjhaunga. Guys, please, I'm telling you bar bar main keh raha hu, if you want to actually click good photographs, you have to take your cell phone out, take it, get up early in the morning, carry your snacks or whatever, go out, walk through your neighborhood, you'll get awesome photographs. Right now I wouldn't know if it is allowed for you to go outside टू क्लिक फोटोग्राफ्स. घर के अंदर शुरू कर सकते हो, स्टार्ट क्लिकिंग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स बिकॉज दैट इज़ वैन यू स्टार्ट सींग द कॉन्ट्रास्ट, दैट्स वैन यू स्टार्ट सींग लाइन्स, शेप्स, एंड दैट रियली यू इज गोइंग टू गेट दैट एंटायर स्ट्रक्चर इन योर हेड, जो आपको समझने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी एक बार ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया था. सो वैन यू सी अ स्पीड ब्रेकर, यू डोंट थिंक अब मेरे को गियर लगाना है, क्लच दबाना है और फिर ये करना है, इट जस्ट हैपन्स. So when you keep doing it, it goes into your subconscious memory. So I hope you are getting it right. I hope I'm not too fast. Or kuch bhi puchna ho, wapis puch lijiyega mere ko. You can chat. So I put this as a colored photograph because you could understand. I'm just giving you the example. So I made a slight change. सो ब्लैक एंड वाइट को थोड़ा सा मैंने वाइट किया बिकॉज द कॉन्ट्रास्ट लेवल्स हैव टू बी हाई. दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ. सो आई मेड इट इन टू ब्लैक एंड वाइट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो इवन इफ यू आर यूजिंग अ कलर्ड फोटोग्राफ, हियर द कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट इज वेरी हाई. सो इट वर्क्स फॉर मी. इनफैक्ट द कलर इज लुकिंग मोर प्लीजिंग टू मी. सो ये आपको देखना, ये कलर इज वर्किंग बिकॉज ऑफ द, सी द कलर इज ऑल्सो डिवाइडिंग, द ब्राउन पार्ट इज डिवाइडिंग द ग्रीन पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स वाई प्रॉब्ली इट्स वर्किंग. सो ये आपको देखना है कि उस सेटिंग में, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, एवरी सेटिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एवरी डे द सेम सेटिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एवरी इवन ड्यूरिंग द एंटायर डे, सुबह, दोपहर, शाम को आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगे. इफ़ यू आर गोइंग टू अ एम्प्टी स्ट्रीट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यू विल गेट अ डिफरेंट सेटिंग, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ईस्ट साइड. By afternoon, it will be a busy street. By evening, it will be even a maybe busier street. But the light will come from the opposite direction. All the three images will be different. Camera वहीं लगा करके भी आप exactly उसी setting में shoot करोगे, still get different images. What I'm trying to say is, it's never boring to click on the same street or the same locality or your same house. आप अपने घर में ही shoot करते जाओगे तो बहुत सारा variety मिलेगा. I love this picture because of the moment. And this is nothing to do with shutter speed really, because aap agar dhyan se dekhoge, and this is a
पिक्चर दैट आई पिक्ड अप स्पेसिफिकली बिकॉज बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे खेल रहे हैं, शार्पनेस नहीं आया, पिक्चर ब्लर्ड हो गया, लाइट लो होने के कारण आई हैव टोल्ड यू दिस दैट देयर इज ऑलवेज अ हैंडीकैप, आपको ISO बढ़ाना पड़ता है बिकॉज द लेंस हैव अ हैंडीकैप, शटर ज़्यादा आप स्लो कर दोगे बियॉन्ड 125, अंडर 60 स्टार्ट्स गेटिंग ब्लरी. सो दिस इज वन ट्रिक हियर. जब भी कोई भी बच्चा जंप कर रहा हो और ए डांसर, दिस अप्लाइज टू डांसर्स एज वेल, व्हेन दे आर जंपिंग सो दे आर इन मोशन, स्पीड गोज टू जीरो एंड देन दे आर अगेन इन मोशन. सो यस, जब वो स्पीड जीरो पे जाता है आप उसी समय क्लिक कीजिएगा, आपको शार्प फोटोग्राफ्स मिलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज स्टेशनरी बट ओनली फॉर वन माइन्यूट पार्ट ऑफ अ सेकेंड आपको उसी समय पिक्चर क्लिक करना है एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट. लुक एट द ब्यूटिफुल लाइट दैट्स कमिंग फ्रॉम द साइड, इट्स प्रॉब्ली अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस फोटोग्राफ इज वाओ बिकॉज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द साइड. ये आपको दोपहर को ये पिक्चर नहीं मिलेगा, ये लाइट लॉन्ग शेडोज एलिमेंट्स, ये उनके कपड़े के अंदर से लाइट निकल के आना, हेयर्स का हाईलाइट होना, पीछे से बैकलाइट, दिस इज कॉल्ड अ बैकलाइट इफेक्ट. सो इट्स अमेजिंग. सो इफ यू जस्ट गो आउट एंड यूज योर कैमरा सेलफोन वॉट एवर, यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ दैट यू हैव नेवर ऑब्जर्व बिफोर बिकॉज यू हैव बीन टू बिजी विद आवर ओन सेलफोन्स ट्राइंग टू टेक्स्ट और रीड व्हाट्सएप मैसेजेस और जस्ट कम्युनिकेट एंड वी हैव फॉरगॉटन, स्पेशली इन टूडेज लाइफ वी हैव फॉरगॉटन टू ऑब्जर्व द एनवायरमेंट अराउंड अस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सेंसिटिव टू योर एनवायरमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स अराउंड यू. And when you say elements, when I say elements, it's not just about fire, water, it's about everything that's around us. So, ek bacche ka smile. And there's one more thing I'd like to share here. Bahut baar na ye hota hai ki we see people, hum jab road pe jaate hain, like, theek hai yaar, rickshaw wala hai, so we like rickshaw wala hai. But when you click a rickshaw wala's face, you'll see that his picture, his image, his face has got more character than most of your friends. And you'll only notice that when you click it. क्योंकि हमारा ब्रेन इतना कंडीशनड हो गया है कि नहीं यार हमारा दोस्त है ये, ही इज़ वेरी हैंडसम मैन, कूल लग रहा है, कूल डूड, या ही लुक्स लेदर जैकेट पहना हुआ है और ही इज़ वेयरिंग शूज एंड यूल बी लाइक वाओ ही इज़ सुपर कूल. पर अब रिक्शा वाला का उसके आँखें देखना, देर इज़ कैरेक्टर. और ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा वेन यू सी थ्रू दैट लेंस. आपको ब्लैक एंड वाइट दुनिया में जाना पड़ेगा, आपको लाइन्स शेप्स के दुनिया में जाना पड़ेगा. And you'll see emotions, each of these emotions that come out, and everyone has it. ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के facial expressions बहुत wow होते हैं. Obviously, understood that old people have better facial expressions. They're very on your face. Lens distortion मैंने पहले भी बताया था. Form depth करने के लिए दो तरीके होते हैं. एक तो lens को blur कर लो. लेंस को ब्लर करने का तरीका लास्ट टाइम आपको मैंने सिखाया था कि कैसे बैकग्राउंड को ब्लर कर दो ताकि फोरग्राउंड दिखे. वाइड एंगल लेंस भी यूज़ करते हो तो अगर आप सेंटर पॉइंट पे रखोगे, जैसे लाइक हियर द सन इज़ एट द सेंटर, सो यू कैन सी ऑल द रेज कमिंग आउट गोइंग आउटसाइड दैट पॉइंट. तो ये वाइड एंगल के कारण यू कैन गेट दैट इफेक्ट. ब्लॉक फ्रेम में भी मिलेगा लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा. दिस इज़ द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़ अ लेंस ब्लर. लेंस ब्लर में सेपरेशन मिल जाता है कि एक फूली दिखाना है आपको. दुनिया चाहे कोई भी देखना चाहे, यू आर द मास्टर. आपको क्या दिखाना है दुनिया को, यू हैव कंट्रोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज हाउ यू यूज इट. एफ स्टॉप सबसे कम रख के, वॉट एवर योर लेंस गिव्स यू. सम लेंस विल गिव यू एट 3.5 और 3.5, कुछ लेंस में 1.8 होता है. आई स्पोक अबाउट 50mm लेंसेज लास्ट टाइम. सेलफोन में आपका एक्सक्यूज मी, सेलफोन में आजकल देर आर डुअल फ्रंट कैमराज. डुअल फ्रंट कैमरा क्या करते हैं, वो दोनों को मर्ज करके एक नया फोकस एरिया क्रिएट करते हैं. सो वेन एवर इट अंडरस्टैंड देर इज एन AI सिस्टम देयर, सो इट अंडरस्टैंड अच्छा एक फीट दूर में सब्जेक्ट है, तो उसके बाकी का जो भी डिफ्यूज हो रहा है बिटवीन द टू कैमराज उसको ब्लर कर देते हैं. देर इज अ ब्लर्ड मोड ऑन मोस्ट ऑफ द कैमराज, यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग इट. आई एम गोइंग स्लाइटली टू क्विकली बिकॉज आई एम ऑलरेडी ईटन अप टू मच ऑफ योर टाइम. And I really don't want to go beyond 1 hour 15 minutes today. थोड़ा सा hurt कर रहे हैं. So negative space is something that is very interesting. Negative space मतलब एक area को आपने खाली रख दिया, कुछ ना हो. It could be white, it could be brown, it could be black. It's empty. Generally black या white हो, कोई element ना हो. And white need not be everything that is white. यहाँ पर जैसे picture में ये left side में जो है is negative space.
So there could be some element of stuff there, but that's how it's been picturized, that's how it's been framed. Aapko dekhna hai. And that, so when you look at the picture, first thing that hits you is the tree, then you get to see the woman, and then you get to see where is she looking at. Aap dhyan doge fir se. Maybe you look at the empty style and then you'll try to figure out ye kya hai, why is the water floating in the air, and then what is it beyond, and then you see the girl and you see pani kahan se ja raha hai, and then you want to also figure out ki wo dekh kahan hai. Curiosity, your eye is moving, you're making the viewer think about this picture. And I think achha picture ka khasiyat yahi hai ki aap jab dikhao to banda sochta rahe ki are kya hai, pahad hai, ye pani beech mein kahan se gayab ho gaya, aur ye ped hai, ped okay, ye aurat kahan dekh rahi hai. And it's very important that you try to create some sense of mystery when you're building a photograph. If possible, you should try that. That's another way of enhancing your photograph. So apart from shapes, lines, colors, negative element can also play a very important role. Generally negative element isliye khichte hai bahut log commercial photographers kyunki unko pehle bata diya jata hai left mein, bhaiya hamara brand aayega, uska description aayega, uska niche uska dabba ka photograph bhi aayega. But it can be also used in an artistic way. I'll quickly go through one or two few examples. These are all pictures that I picked up from the net. If you guys have clicked this, if it is yours, then please don't sue me, because it's just trying to explain how wonderful these pictures are and how we can learn from it. So yahan pe bhi aap dekhoge left mein use kiya, there is a reflection there. And if you look at the shade, I've of course made all of these into black and white. If you look, the shades are the same almost, there's just one line in between. So try looking for those angles. आप अगर नीचे से खींचोगे तो ये एंगल मिलेगा. दुनिया चाहे ऊपर से खींचते हो, ये वाव इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बहुत पानी से करीब लिया गया है. शायद ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, लेकिन जब आप पानी के पास चले जाते हो तो वो अपने आप ही पानी का साइज़ बड़ा हो जाता है. दीज आर स्मॉल ट्रिक्स दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ. सिमिलरली ऑन दिस पिक्चर, आई थिंक द बर्ड्स आर इक्वली एज पावरफुल फॉर द पिक्चर एज वेल एज दिस बिल्डिंग दैट्स देयर. मे बी if you're doing street photography, you'll see the building, you'll find it interesting, but just clicking that picture is not enough. It's just an ordinary picture, so you'll have to wait. Maine aapko bahut baar bola hai, har koi acha moment acha setting dikhai deta hai, wait karna padega kuch interesting hone ke liye. And this is that moment when the birds are flying, you have to wait. So aapko pata hai main itna hi sky lunga, so you have to wait for the birds. Aur bahut baar aise hota hai, you can't decide birds kis taraf se jayenge, you're not going to remote control them saying that idhar se niklo boss, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो. सो आपको उससे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि एक सेकेंड बाद वो इधर तक पहुँचेगा, उस हिसाब से आपको फ्रेम करना है. बर्ड्स वहाँ पहुँचता है एंड बूम, यू हैव टू गेट योर टाइमिंग राइट, यू हैव टू एसेस डायरेक्शन. बच्चे वहाँ से दौड़ रहा है तो यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक ये गाड़ी यहाँ तक आएगा, तो क्या मेरे को दोनों का मर्जिंग पर टाइम मिलेगा. यू हैव टू प्रैक्टिस. मैं आज भी लोकल ट्रेन में जब ट्रैवल करता हूँ तो जब दो दो तीन तीन ट्रेन क्रॉस कर रहा होता, आई प्रैक्टिस कि तीनों ट्रेन का दरवाज़ा कहीं मिले. खचक खचक खचक, चार बार मिस होता है, एक बार मिल जाता है. ऑल थ्री डोर्स एंड यू कैन सी थ्रू ऑल द थ्री ट्रेन्स एंड दे आर मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी. सो मज़ा आता है जब मिलता है. ये मैं किसी को दिखाने के लिए कि देखो मेरा टाइमिंग इतना परफेक्ट है, ये नहीं करता हूँ. मैं अपने खुशी के लिए करता हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ़ यू वांट पीपल टू अप्रिशिएट योर फोटोग्राफ्स, देन दिस जर्नी इज़ नॉट वर्थ इट. इफ़ यू वांट टू एन्जॉय दिस जर्नी योरसेल्फ, देन यू विल एन्जॉय इट. People appreciating your work, I think that's a bonus. I am quickly going through negative spaces. यहाँ भी देखिए कितना बढ़िया तरीके से negative space को इस्तेमाल किया गया है. Left side खाली है, फिर भी वो हर चीज़ explain कर रहा है. There is a light coming from the right hand side, yet on the left hand side it's black. It's a brilliant way to and look at the eyes of this person. If you look at the eyes of this person, he is lost. He is मे बी इन टूडेज टाइम, जैसे होता है कोरोना के दिनों में, वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हम आगे कहाँ जा रहा है, कहाँ सफ़र कर रहे हैं, कैसा होगा दिन. वो चीज़ निकलना चाहिए, वो दर्द या एक्सप्रेशन, खुशी का एक्सप्रेशन बच्चों के साथ. वेन दे स्माइलिंग, वेन दे प्लेइंग, दे आर सो हैप्पी इन, सो दैट्स द एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू कैप्चर. सो दैट्स द एंड ऑफ डिज़ाइन. डिज़ाइन आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू अ क्विक okay, it's not even working now. So design is something that I don't want to do a Q&A on. We can do it on WhatsApp later on the group. I hope you have understood. I'm just trying to tell you basic stuff, giving you basic examples.
कॉम्पोजिशन में रूल ऑफ थर्ड्स आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स टच करना चाहता हूँ. आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू रियली गो डीप इन टू इट, इट इज़ रियली डीप. आई विल जस्ट गिव यू द बेसिक गाइडलाइंस. सो इफ यू लुक एट दिस फोटोग्राफ, दीज आर रैंडम फोटोग्राफ्स आई अगेन पिक्ड अप. सो इफ यू लुक एट दीज फोटोग्राफ्स, दिस फोटोग्राफ इज इंटरेस्टिंग. बट वाई डू यू थिंक इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज इट फॉलोज अ पैटर्न, राइट? इट फॉलोज अ पैटर्न. और ये पैटर्न कैसे होता है, वाई इज इट प्लीजिंग टू द आई? बिकॉज हम जो आँखों से देखते, एक ब्रेन एक परसीव करता है एक चीज़ को, कैसे वो आँख सबकॉन्शियसली मूव करते हैं, इसको अगर आप समझ पाओ तो आपके फोटोग्राफ बेटर आएंगे. एंड दिस इज़ प्लीजिंग बिकॉज इट्स फॉलोइंग द रूल ऑफ थर्ड्स. अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि रूल ऑफ थर्ड्स बाद में आए, फोटोग्राफ पहले आए, पेंटिंग्स पहले शुरू किया इंसानों ने बनाना, रूल ऑफ थर्ड्स बाद में समझ में आया लोगों को. सो इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, बट ट्राई टू फॉलो इट. आई एम नॉट सेइंग इट यू शुड फॉलो इट, बिकॉज टुडे इन द डेज ऑफ इंस्टाग्राम यू हैव अ स्क्वायर इमेज, रूल ऑफ थर्ड्स विल नॉट अप्लाई देयर. But if it's 16:9 or a longer broad format, rule of thirds is about this grid. जी हाँ, आपने ये grid अपने cameras में भी देखे होंगे, अपने cell phone में भी देखा होगा. That is a grid in some of the cameras. Otherwise, digital cameras definitely have these grids. These are guidelines. आप देखोगे तो ये जो light, आप सबसे पहले देखोगे तो ये जो corners है ये सारे grids के, they all divided into three parts, height wise और breadth wise. So these points where they join, I hope you can see my mouse, that is where your interesting element should be, because your eye moves to those corners after scanning the entire picture in fraction of a second. It goes to search, the brain goes to search ki hai kya, kya kehna chahte, colors, okay, ye wo, and everything happens in a fraction of a second. So you have to understand how the brain responds to a picture. Similarly, this picture, I added this grid so that you can understand. It's looking wow. I think you'll understand. A lot of people who have been sharing pictures, I've been resizing those pictures on WhatsApp and sharing it back. I don't know if I did it correctly because I don't follow a rule. Lekin approximately, yahi rule hai. Main grid bana ke usko crop nahi karta hun. Lekin approximately, this is how it is. See, the center of the bird is exactly here. So, slightly off-center khichoge, to better picture aayega. ज़रूरी नहीं है कि ऑफ सेंटर हर चीज़ आर्टिस्टिक ही होता है. इट हैज़ टू मेक सेंस. सो द बर्ड इज़ लुकिंग टुवर्ड्स दिस साइड, सो ईदर द साइड हैज़ टू बी हियर और द बर्ड इज़ लुकिंग अवे फ्रॉम इट, सो मे बी इट्स गोइंग आउट. जैसे कोई अगर आदमी अपना घर छोड़ के जा रहा है तो घर की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा, और जो निकल के जा रहा है वो इट विल बी एट द एज ऑफ द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट. नया घर में आ रहा है तो जिस तरफ वो देख रहा है उस तरफ घर होना चाहिए और घर ज़्यादा दिखाई देना चाहिए. And that's very important how you communicate. Choti choti cheeze hai. If you try, it will add value to your pictures. Then look at this again. Ye bilkul perfect rule of thirds follow kar raha hai. Dekho, ye tree jo hai isi line ke upar hai aur ye horizon jo hai isi line pe hai. So horizon is very important. So either keep the horizon at the lower thirds or in the upper thirds. Yahan pe rakhiye ya to ya idhar rakhiye. Beech mein mat rakhiyega. It will look better. It will come out better. So you have to decide whether you want to show the ground or the sky. बहुत लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं. स्काई इतना ब्यूटीफुल है, मैं स्काई ले लूँ या नीचे भी इट्स सो ब्यूटीफुल, क्या ले लूँ? वन, यू अंडरस्टैंड दैट एक्सपोजर कैनॉट हैपन. कैमरा विल नॉट सी एवरीथिंग दैट यू सी. तो आपका एक्सपोजर जितना है वो उस हिसाब से आपका स्काई के एक्सपोजर लोगे तो नीचे काला हो जाएगा, नीचे लोगे तो स्काई बर्न्ट हो जाएगा. यू हैव टू टेक अ डिसीजन. बेस्ड ऑन दैट डिसीजन यू विल हैव टू फ्रेम योर कैमरा कि लोअर थर्ड्स में रखना है या अपर थर्ड्स में हॉराइजन को रखना है. दिस इज अ जर्नी दैट यू विल हैव टू टेक, अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक. एवरी पिक्चर दैट यू क्लिक इज एन एक्सरसाइज, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रीट फोटोग्राफी विल रियली हेल्प यू मास्टर योर आर्ट. मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ ये आप स्ट्रीट फोटोग्राफी एक दिन करोगे तो इसका 10 times ज़्यादा सीख जाओगे. There's something called golden spiral. It also follows the same pattern. Basically, इन्होंने यहाँ पे जो है, if you imagine, there are 3 lines actually. सो इन लोग क्या करते हैं, इसको एक स्पायरल बना दिया, इसका हाफ से इसको स्पायरल बना दिया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, इफ यू डिवाइड दिस, दिस इज ऑल्सो 1/3 अप्रॉक्सीमेटली, एंड दिस गोज ऑन. सो योर आई, व्हाट इट सेज इज द आई एक्चुअली ट्रैवल्स टू दिस पॉइंट. इट कुड बी दिस पॉइंट एज वेल, इट कुड बी दिस पॉइंट एज वेल, दिस पॉइंट. सो यही चीज़ बता रहा है कि आपका यही 4 points में आँख जाता है. तो आपको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आप ये 4 points पे ग्रिड दिमाग में बैठा करके, कैमरा में है तो ऑन कर लो, बट ट्राई टू कीप योर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स विद इन दोज ग्रिड पॉइंट्स. आई थिंक गोल्डन ट्रायंगल इज़ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट. आई डोंट नो इफ
आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू इन सच ए शॉर्ट टाइम. सिंपल सा चीज़ें एक समझ लीजिए, कुछ अगर लाइन मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, अगर रख रहे हो वॉल को या कुछ भी हॉरिजॉन्टल है तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखिए. एटलीस्ट इट शुड टच वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ योर फ्रेम और इट कुड बी दिस साइड. इफ़ यू गेट समथिंग लाइक दिस ऑसम, बट इफ़ यू लुक एट दिस ग्रिड ऑन अ नॉर्मल रूल ऑफ थर्ड्स, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये देखो ये बेस यहीं बैठ रहा है. और व्हेन आई से रूल ऑफ थर्ड, जरूरी नहीं कि उसके एग्जैक्टली अलाइन करके मार्जिन मिक्स करके आप चेक करते रहो और बनाते रहो. इट शुड अप्रॉक्सीमेटली फॉल देयर. यू डोंट हैव टू फोकस एंड ट्राई टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली बैठ रहा है, स्केल लेके नापने की जरूरत नहीं है. बट दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू बोथ ऑफ दिस स्टफ. सो इवन इफ यू गो बाय रूल ऑफ थर्ड्स, आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड. सो हियर द आई इज एक्चुअली ट्रैवलिंग बिकॉज द ब्रांच इज कर्व्ड एंड beyond the branch there is a house, there is a reflection on the other side and there is a arc here. So because yahan pe main ye picture isliye aapko dikha raha hu because yahan pe aap rule of thirds follow nahi kar sakte ho, because what is more important, the branch is more important. So you have to take a decision every time. If the branch is more important, let go the rule of thirds. Aap rule of thirds ko thoda sa compromise kar lijiye, right? It is not exactly at the middle, it's slightly towards the lower side of it. So you have to take a decision. There is no rule. Yeah, so it's in, okay, it's almost in the middle, slightly lower than the middle. So beyond that is creativity. Aap kya karna chahte ho? I just picked up a few things that you can just figure out for yourself. Aap phone pe khichoge to kaise karoge? Toota sa bulb ka jo base hota hai usko leke aise karoge to you'll get this shape. So you'll have to think. You can get a reflection, just put shoes on top of it, you get a beautiful picture. I just picked up a few from internet. Somebody is, there is a plane flying on the reflection, you just make somebody do this. Those jo bhi ho saath mein ho, fat se bolo ki aise aise plane ko aise karo, you just give them the new click timing. Aap practice karoge to acha aayega, you will get such photographs. But on the picture on the left hand side is very simple, anybody can do it. You can plan, you can wait, because the sun won't give you more than 3 or 4 minutes before it sets, but you can always experiment with such photographs. ये राइट साइड में जो करेले के फोटोग्राफ है, इट लुक्स लाइक अ बर्ड सिटिंग ऑन अ लाइन. दीज आर पिक्चर्स दैट यू जनरली गेट टू सी इंस्टाग्राम में, आजकल बहुत कुछ मिल जाता है. आई लाइक दिस पिक्चर कोविड का बिकॉज द मास्क, इट्स अ मैसेज, मास्क पहनोगे तो कोविड ख़त्म. तो ये बिना लाइन कुछ कहे ये एक्सप्रेशन आ गया. दैट्स वॉट यू शुड ट्राई फॉर. बट आई एम सेइंग इज देयर हैज़ टू बी अ मैसेज एवरी टाइम यू क्लिक अ फोटो. वॉट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू योर व्यूअर, दैट हैज़ टू कम थ्रू. डिज़ाइन, कलर्स, एलिमेंट्स, फ्रेमिंग, ये सब बाद में आता है. जो आज हमने आपको बताया, दैट इज़ टू एनहेंस योर इमेज. सो आई, एज आई टोल्ड यू, आई हैवन गॉन थ्रू अ फोटोग्राफी क्लास, स्कूल, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई थॉट चलो इसको पढ़ने के बाद, सो मैंने आपके लोगों के लिए सब रिसर्च किया. आई डिडंट इवन नो व्हाट गोल्डन ट्राइंगल वॉज बिफोर यस्टरडे, राइट? सो थैंक्स अ लॉट बिकॉज आई कुड डू सम रिसर्च, बिकॉज बेवकूफ नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के यू शुड लुक लाइक आई नो अ लॉट. तो मैंने फिर अपने फोटोग्राफ्स निकाले, मैंने चलो, एंड आई डिडंट वांट टू बी बायस्ड, सो आई डिडंट पिक अप ऑल माय फोटोग्राफ्स. आई पिक्ड अप माय फोटोग्राफ्स रैंडमली, मैंने बोला चलो एक ट्रिप कर लेता हूँ. सो आई पिक्ड अप अमृतसर का फोटोग्राफ्स और मैंने फिर देखा कि चलो इसमें देखता हूँ कि क्या मैं सबकॉन्शियसली, बिकॉज फोटोग्राफी केम फर्स्ट, दीज रूल्स केम लेटर. सो सिमिलरली विथ मी इन माई लाइफ, फोटोग्राफी केम फर्स्ट. ये रूल्स तो मैं अभी कल ही पढ़ रहा हूँ कुछ चीज़ें तो. सो आई वॉन्टेड टू सी क्या वो मैं अप्लाई करता हूँ, बिकॉज इट सेज इट मेक्स योर फोटोग्राफ बेटर. सो आई वॉज प्रिटी नर्वस एंड स्ट्रेस्ड. सुबह के 3 बज रहे थे कल, आज सुबह एक्चुअली, आज सुबह 3 बजे, एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट चलो टेस्ट करते हैं. फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, बिकॉज देयर इज नथिंग टू हाइड. इफ़ आई कैनॉट क्लिक अ फोटोग्राफ, आई विल क्लिक इट टुमारो. I will become a better photographer. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होता. जब आप मिस करते हो कोई शॉट तो आपको ख़राब लगता है कि चलो यार आई शुड हैव बीन मोर अलर्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू विल गेट दैट फोटोग्राफर, दैट फोटोग्राफ. सो दिस वॉज समथिंग दैट आई सॉ एज एन एलिमेंट, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी. सो मे बी दिस इज नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ थर्ड्स, इवन डो आई डोंट नो इफ यू लाइक दिस फोटोग्राफ. आई लाइक द पिजन सिटिंग देयर. कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा सा वेट करता तो. आई कैरीड ऑन, आई जस्ट हैड 2 आवर्स, सो आई कैरीड ऑन, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, दिस इज समथिंग दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट. आई डोंट नो, कुछ चीज़ें, कुछ फोटोग्राफ्स अच्छे लगते हैं. आई डोंट नो इफ यू विल अप्रिशिएट इट. आई लाइक इट,
and I'm happy about this photograph. So this was this lady who was walking in and they were helping her because she was pregnant. Now all और ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो और मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि दैट लेडी वॉज प्रेगनेंट एंड इट इज़ समथिंग, कुछ कैप्चर हो जाता है कुछ नहीं होता है एंड दे वर हेल्पिंग हर टू वॉक. मे बी इट्स एन ऑस्पिशियस थिंग फॉर सरदार्स बट इफ यू कैन सी द ग्रिड फॉल्स इन प्लेस, देर इज दिस चुन्नी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देर इज समबडी, देर इज अ बॉडी शेप ऑन दिस साइड, देर आर टू पीपल वॉचिंग, आई डोंट इवन नो इफ दे नो ईच अदर, देर इज अ गोल्डन टेम्पल इन द बैकड्रॉप. सो वेट फॉर मोमेंट्स, यू विल गेट ऑसम स्टफ. मैंने ये फ्रेम देखा एंड आई वेटेड, दिस गाय वॉज सिटिंग देयर फॉर गॉड नोज, मैं तो आया तो आई सॉ देम फॉर 15 मिनट्स, ही वॉज सिटिंग देयर. सो आई वॉन्टेड टू यूज हिम एज अ एलिमेंट टू द फोरग्राउंड बिकॉज फॉर हिम दिस गोल्डन टेम्पल मे बी मीन्स अ लॉट. शायद उसने अपने बहुत सारे सेविंग्स के बाद यहाँ तक आ पहुँचा है. एंड वी मेट पीपल हु केम फ्रॉम US टू अ ट्रिप टू गोल्डन टेम्पल. ये आपके श्रद्धा है, ये दिमाग में कितना आपका पैशन है, कितना आप करना चाहते हो. सो ही वॉज सिटिंग देयर, मे बी दिस वॉज हिज ड्रीम, 3 महीने के पैसा बचा करके यहाँ तक पहुँचा है एंड ही केप्ट लुकिंग एट दैट गोल्डन टेम्पल. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स लेस मेजेस्टिक, इट वॉज वाओ, बट फॉर हिम मे बी इट मीन्स 1000 times मोर एंड दैट इज वॉट यू नीड टू कैप्चर. आई क्विकली गो थ्रू इमेजेस. ओके वे थ्रू. सो वाओ, सो लेट मी चेक, 6 minutes plus, not bad. So this is what you need to do: lines, elements. The viewer when they see the photograph, they have to see more things into it. So pehla photograph to event ho raha hai. Event mein kya ho raha hai? Then you look at the smaller corners. Then and it has to look like a picture inside an exhibition. Log khade hoke usko dekhte rehte. Picasso ka painting kya hai usme? But there are so many layers to it, and you have to capture these layers. आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप करके एक बर्ड यहाँ से डाल दिया, यहाँ से एक नाव डाल दिया, यहाँ से एक प्लेन डाल दिया हवा में, बट विल ही बी रियली हैप्पी ट्राइंग टू शो पीपल. एंड वन, यू कैन नॉट चीट बिकॉज दे आर सॉफ्टवेयर विच टेल यू व्हेन यू डू डॉक्टर अ इमेज. सो गोइंग बियॉन्ड दैट, आई डोंट वॉन्ट टू इवन गेट इन टू दैट स्पेस, बट यू शुड बी वेरी हैप्पी व्हेन यू सी दैट फोटोग्राफ. अरे एक बर्ड कम मिल गया लेकिन फ्रेमिंग मस्त मिला, एंड इट्स अ जर्नी. And when you look through your photographs, you should be very happy when you come back at the end of the day, tired, sweating, and you still have, and you have 2 great photographs at the end. Question and answer, I don't think we have the time. We can do this. So you can put it on the Facebook page or I won't be able to see your chats now because it will come a minute later maybe. Today, I don't know why. Assignment, I would like you to, yes, rule of thirds. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप रूल ऑफ थर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी फोटोग्राफ खींच रहे हो, अलग अलग फोटोग्राफ खींचिए. ट्राई टू कीप दैट ग्रिड इन माइंड. शुरू में 50 फोटोग्राफ्स में ग्रिड रख के खींचिए, ग्रिड अपने आप छप जाएगा दिमाग में. उसके बाद आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, कहाँ पहुँचना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. इट ऑटोमेटिकली कम टू यू. बट फर्स्ट 50 पिक्चर्स प्रैक्टिस यूजिंग रूल ऑफ थर्ड्स. आपका सेलफोन में रूल ऑफ थर्ड्स नहीं है, सेलोटेप है या एक धागा है, रबर बैंड लेके उसको रूल ऑफ थर्ड्स चिपका लीजिए और फिर खींचिए. रबर बैंड इज़ अ गुड आइडिया ना, सिंपल एंड नाइस. रबर बैंड लगाइए उसको, यू नीड 1, 2, 3, 4 रबर बैंड्स ओनली. 4 रबर बैंड्स लगाइए, गो क्लिक, जस्ट एंश्योर इट डजंट कम ऑन योर फ्रंट कैमरा. एंड ट्रस्ट मी, आप पुराने फोटोग्राफ्स और वो ग्रिड 1/3 वाला ग्रिड को यूज़ करने के फोटोग्राफ जब खींचोगे, यू विल रियलाइज दैट यू हैव ऑलवेज ऑलरेडी मेच्योर्ड एज अ फोटोग्राफर इन दैट जर्नी. जस्ट वन स्मॉल ट्रिक. इसके बाद जब आपका फ्रेमिंग सही हो जाता है, देन यू फोकस ऑन लाइन्स, डिजाइंस, पैटर्न्स, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, और आप देखोगे. एंड टूडेज सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ऑफ सेशन 4, देयर इज अ मिस्टेक ऑन दिस स्लाइड. सो आई टेल यू, आई टेल यू ऑनेस्टली, आप ट्राई करके देखो ये टूडेज लेसन. यू वुड हैव रियली बेनिफिटेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव, यू विल मेच्योर एज अ फोटोग्राफर. और यहाँ तक अगर आप आते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस दैट आई गिव यू. इट विल रियली बेनिफिट बिकॉज इट मे साउंड वेरी स्टूपिड टू यू कि मिरर को लेके फोटोग्राफ खींचो या रिफ्लेक्शन को लेके या कुछ एलिमेंट लेके. ऑल दीज थिंग्स विल एड अप टू द बिग पिक्चर, राइट. आई थिंक इट्स टाइम. आई वुड नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम. And next time, for sure, I will touch upon white balance and post. Post पे ध्यान देना पड़ेगा because मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप post में कोई और bird add कर दो. लेकिन उस photography में भी कैसे उसको enhance कर सकते हो,
फोटोग्राफ खींचने के बाद जब घर आते हो तो उसको बेटर कैसे कर सकते हो. विल जस्ट टच अपॉन बेसिक्स एंड फ्लैश फोटोग्राफी इज समथिंग दैट वी नीड टू डू राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस एंड टेक केयर एंड गुड नाइट. हैव अ नाइस वीकेंड. बाय.